से है, जहां केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से माइनिंग ऑयल और गैस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, खान विभाग ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और कोलंबिया की राजदूत मारियाना पाचेको मार्टेस ने किया, जिसमें देश और प्रदेश में खनिज संपदा की खोज खनन में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर मंथन किया गया। इस अवसर पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि जल्द ही प्रदेश को नई खनिज नीति मिलने वाली है। वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट का कहना है कि प्रदेश में खनिज संपदा के अपार भंडार है, सरकार इस क्षेत्र में राजस्व और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। इस तरह की जो संगोष्ठी होती है, निश्चित रूप से विचारों का आदान प्रदान होता है और इन्वेस्टर जब आते हैं और उनको जब पूरी ग्राउंड लेवल की पूरी जानकारी मिलती है, तो निश्चित स्टेट में ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि माइनिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिस से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जब इसका सेक्टर डेवलप होता है तो कई लोगों को रोजगार मिलता है, और इसी भावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली जो भारतीय जनता पार्टी के समय जो नीति बनी, जो MMCR बनी, उसमें चेंज करने का हमको निर्देश दिए, और मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप हमने MMCR 2017 में काफ़ी परिवर्तन किए हैं और नीति भी हमने फाइनल करके लाभ में और फाइनेंस में भेजी है वेट के लिए। वहाँ से वेट होने के बाद में वो कैबिनेट से अप्रूव होगी और नई नीति लागू होगी। जहाँ तक राजस्थान में आज जो कॉन्क्लेव द इकोनॉमिक माइनिंग ऑयल गैस वाली जो कॉन्क्लेव है, इसमें वो तमाम उद्यमी जो भाग ले रहे हैं, जो राजस्थान में नेचुरल जो मिनरल है वो बहुत अच्छी तरीके की पॉलिसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बनाई है उसके माध्यम से खास तौर से पर्यावरण संरक्षण का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। उन चीज़ों से राजस्थान में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार माइनिंग डिपार्टमेंट से लोगों को रोजगार मिलता है और गवर्नमेंट की इकोनॉमी भी इससे इफेक्ट करती है। तो बहुत ही अच्छा काम राजस्थान के अंदर, राजस्थान में तरह तरह के मिनरल है, जिसमें जिले से आता हूँ उस जिले में भी ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, आयरन है, जस्ता है, तांबा है, कई ऐसे मिनरल, गोल्ड भी जियोलॉजी डिपार्टमेंट कह रहा है जो जिस हिसाब से निकला है। तो राजस्थान एक मिनरल का हब है, तो इसको दोहन करने के तरीके अच्छे उद्यमी इस कॉन्क्लेव में जो राजस्थान में विकास हुआ उसमें इससे जुड़ेंगे और अच्छी पॉलिसी लिए उसके माध्यम से आएंगे तो अच्छा दोहन होगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और गवर्नमेंट को इनकम भी आएगी जिससे अपना डेवलपमेंट का काम करा पाएगा। इस बात को स्वीकार करने में कोई मुझे हिचक नहीं है कि अवैध खनन भी होता है, और हम जितना अवैध खनन को बढ़ावा देते हैं उतना ही अवैध खनन कम होता है। ये एक रिसोर्स है जो कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, इसमें हम ये नहीं देखते कि ये फॉरेस्ट के अंदर है या नदी के पास है या इसमें, तो अगर फॉरेस्ट के अंदर होता है तो उसमें अवैध खनन होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। कुछ ऐसी जगह हैं जो कानून से नहीं हो पाती, वहाँ भी नहीं है। तो जहाँ तक रोकने का प्रयास है, इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से अवैध खनन पे बहुत ज़्यादा दबाव है, और जितना अवैध खनन कम होगा उतनी दुर्घटनाएँ कम होंगी, उतनी हम सेफ्टी, सिलिकोसिस, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि अवैध खनन जो भी करता है उसके मन में डर तो रहता ही है, और डर रहने के कारण वो जल्दबाजी में करता है, वैज्ञानिक विधि से नहीं करता, नियमों के अनुकूल नहीं करता, या और चीज़ें हो गई। तो ये सारी बातों को ध्यान में देते हुए अवैध खनन को रोकना निरंतर प्रक्रिया है, और हम अब की बार तो इस समय बहुत ही इसको गंभीरता से ले रहे हैं।